स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें 125 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको 50 दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी फाइंड कैसे किया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखेंगे। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बेटा यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 125 दे रखी है, प्लस टू टाइम्स ऑफ, और ए बी प्लस बी बी सी प्लस सी ए कितना दे रखा है, ये हमको 50 दे रखा है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, यहां से आपका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 125 प्लस 100 कितना हो जाएगा, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो होल स्क्वायर है ये आपका 225 हो जाएगा। बात समझ गए, 225। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी जब हम इसको निकालेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, प्लस माइनस 15 मिल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 15। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।